Indian English. Sir, give the camera look up, please. Yeah. So start with your introduction and tell us something about My Heart Will Go On album. What really motivates you to produce and direct the album? I think my co-producer will tell about this better. Okay, so this is Ram's debut as a director. She's my niece, Saina Shah, from Kenya. And here in Bombay, we were coming here recently. So we were in the same function and Ram's met us. I mean, we know each other. And she was singing. So he came and he said to us, oh, good song, you should make a video out of it, you know. And that was it. And then I think a few days later, kuch baat nikli, so we contacted him and said, what do you think? And he said, yes, sure. And he said, I'll direct it. So the story went like that. Bachi bahut talented thi aur usme matlab usme ek spontaneous jo uski energy thi bahut hi zabardast thi aur us bachi mein ek alag hi khaas baat hai. Mujhe lagta hai ki is bachi ka future hi bahut alag hai. Aap abhi unfortunately woh nahi paaye because uske nana well nahi hai. I wish she could be here. So नाना से बहुत अटैच है वो, तो इसलिए आ नहीं पाई. लेकिन जब आप बच्ची से मिलेंगे तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि वो बच्ची एक्चुअली बहुत ही अलग है, मतलब बहुत अलग है. So मीना जी, in this regard it's very unique. मतलब she's so young, इतनी young है, plus you know her looks is also very different, very unique kind of look. तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा ये beneficial होगा album के लिए? वो actually पता नहीं आप लोग को मालूम है, लेकिन she is a Gujarati girl, Indian, and she is an albino child. So यहाँ इंडिया में और अफ्रीका में एल्बिनिज्म इतना फैला हुआ नहीं है. पीपल आर नॉट सो एजुकेटेड एंड अवेयर व्हाट इट इज़. इन द वेस्टर्न वर्ल्ड में सबको मालूम है. इट इज़ अ जेनेटिक थिंग, मेलानाइन, यू नो, मतलब उनकी आंखें बहुत कमज़ोर है. दे कांट सी वेरी वेरी वेल, स्पेशली धूप में, दिन में. स्किन ऑल्सो विद द सन, दे हैव टू हैव स्पेशल क्रीम्स. इज मैनी 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 थिंग्स. But she herself is a very strong child. Okay, and Ram got along very well with her. And जिस तरह से उन्होंने जो direct किया है धूप में, how he handled her, I have to just say hats off to him for that, because it was not easy. And she is a special child. She has a lot of qualities. अभी recently Africa में election के time पे भी they called her in the TV, and she asked everybody, let's have a peaceful campaigning, you know, which was very nice. People liked her, so she's talented. अभी young है, and we'll see आगे. तो रामेश्वर जी, whole of the album has English titles, words और क्या है पूरा गाना जो उसके बोल किस तरह से हैं? सी, पहली बार जब उसके नाना ने उसको गाते हुए सुना तो टाइटेनिक गाना है, पूरी दुनिया में फेमस है, तो उसने गाया ऐसी तो अच्छा लगा गाना. तो वो जब गाना गा रही थी वाले पहली बार मैंने भी सुना था, मुझे लगा अच्छा गाना है, वाई नॉट यही गाना करते हैं. तो टाइटैनिक मूवी गाना है, बहुत वर्ल्ड वाइड नोन है, और उस बच्ची को भी अच्छा लगा. तो मैंने जो बच्ची को चीज़ पसंद है वही करते हैं, और दिल से कर रही है, और अच्छा दिल से गाया उसने, तो ये गाना इसलिए किया. लोकेशन गोरई बीच पे हुआ था, बॉम्बे में ही हुआ था. Okay. और दो दिन शूट किया था हम लोगों ने. जैसा कि पहला दिन बताया उन्होंने ऑलरेडी कि बच्ची को दिन में दिखता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है. बहुत ही चैलेंजिंग था वो, मैं भी आपको एक्सप्लेन ही कर सकता था जिस तरह से उसके नखरे भी थे, जिस तरह से, मतलब एक फनी मोमेंट बताता हूँ. एक बार हम जो शूट का पूरा सेट लगा था क्रोमा का, पूरा सब सेटअप किया, तो नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का शूट था, तो उसने बोला नो नो आई डोंट नो टू शूट राइट नाउ, मेरा मूड नहीं है. तो मैंने जस्ट प्लीज गिव हर टू मिनट्स, कहते नो आई डोंट नो टू गिव इवन फॉर टू मिनट्स. वो लड़की छोड़ के चलेगी लोकेशन से, उसने मुझे दो मिनट मिली दिया शूट करने के लिए. सो वी आई हैड टू वेट टिल दी फॉर दैट. अच्छा, हर वीडियो की कहानी होती है, इस गाने की वीडियो की कहानी है, कुछ बताया कुछ दर्शाया आपने? कहानी है कि मतलब एक नेचर से मेरा बहुत लगाव रहा है शुरू से, और मेरे मन में कुछ विजुलाइज थे, मतलब शूट्स के एक लोकेशन थी मेरे दिमाग में कि एक मतलब गाउन हुआ, बहुत एक ब्यूटीफुल कोई लड़की पहाड़ के ऊपर है, उसका गाउन हुआ में उड़ रहा है, और उसका एक उसकी ब्यूटी को प्रजेंट करना, उसके इमोशंस को प्रजेंट करना. तो उस गाने में ऐसा कुछ ऐसी स्टोरी लाइन तो नहीं रही है, बट एक नेचर को कनेक्ट किया है मैंने, थोड़ा बच्ची की ब्यूटी दिखाई है, और बच्ची बहुत डिफरेंट है, डॉल लगती है, तो उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है. रिलीज का क्या प्लान है सर, किस प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करने वाले हैं, कुछ उसके बारे में बताइए. रिलीज़ का तो बस यही कि आज गाना है ऑलरेडी बहुत बड़ी सिंगर ने गाया है वर्ल्ड वाइड, बताइए आप लोगों को, टाइटैनिक का गाना है, तो कोई कंपनी तो उसके साथ जुड़ नहीं सकती है, कोई एक बड़ी म्यूज़िक कंपनी लॉन्च कर नहीं सकती, गाना ऑलरेडी रिलीज हो चुका है.
बट अब सोशल मीडिया है, आप लोग हैं, प्रमोट करेंगे उसको, आप लोग भी ब्लेसिंग चाहिए, बस यही है, जितना शेयर करेंगे लाइक करेंगे लोग तो बस वही है। अच्छा, एक बच्ची के साथ में काम करना कितना दिक्कत, जैसे कि आपने अभी कहा कि शूटिंग छोड़ दी चली गई थी वो, जी, इस तरह से कुछ और भी तकलीफ कठिनाई कुछ आई थी बच्ची के साथ में? ऐसे कुछ खास कठिनाई मतलब कठिनाई नहीं आई मेरे को, मेन तो बस ये कि बच्चे पता ही है वर्ल्ड वाइड सेम होते हैं, उनको जो खाना चाहिए वही चाहिए, जो जिद करना यही करना है, तो उनकी जिद है, उस जिद को थोड़ा हम हमारे हिसाब से हमको समझना चाहिए और उस जिद को बहुत प्यार से हैंडल करके उनसे काम निकलवाना चाहिए, जैसा कि हम घर में सब करते हैं बच्चों के साथ। बैकग्राउंड तो मेरा कुछ भी ज़्यादा एक्टिंग नहीं रहा है मेरा, और मैं मॉडलिंग करता था इंडिया के बाहर, 7 साल बाहर रहा करीब, और दुनिया के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं जैसे डॉल्ची गबाना है, अरमानी है, गुच्ची है, गैस, मासिमो दूती नॉल, और उसके बाद बॉम्बे आया, एक्टिंग कोर्स किया, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं एक्टिंग में कुछ हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक मौका मिला इनके वजह से कि चलो आप वाई नॉट इसमें भी ट्राई करो, मैंने सोचा कि चलो आज इसमें भी ट्राई करा जाए, सो दैट्स इट इज़ माई फर्स्ट ट्राई। तो मीन जी, आपको कैसे राम जी कैसे मिले और कैसे क्या इनसे मतलब संपर्क हुआ आपका? हाँ, वो एक्चुअली वो मेरा हस्बैंड का फ्रेंड है, उनका पहचान है, तो उनकी वजह से हम मिले हैं। तो पूरा फिट था कि पूरा फिटफुल काम करेंगे ये? एक फीलिंग आ जाती है, यू नो, जो आई बिलीव के वाइब्रेशन, जब भी किसी को भी मिलते हैं ना तो उनको एक मौका तो देना चाहिए, लेकिन एक फीलिंग आ गई थी उनकी, मतलब पैशन और कितनी कन्विक्शन से उन्होंने जिस तरह से बोला कि ये मेरे पास है आइडिया, किस तरह से वीडियो बनाना है, वो ये साइना के साथ किस तरह से हैंडल करना है, तो उनके पास जो था इट साउंडेड वेरी वेरी नाइस, तो फिर और बहुत कम दिनों में उन्होंने वीडियो भी बना ली, आई थिंक हार्डली 2 days में, राइट? या सॉरी बट इट वॉज मॉनसून टाइम ऑल्सो, तो यू कैन सी बिग चैलेंज अगेंस्ट, यू नो। जैसे कि आपने कहा कि इनके पास फेथ था आपको, आपने देखा भी, उन्होंने कहा भी, वैसा सेम गाना बना है कुछ कुछ ऊपर नीचे हुआ वैसा आपने भी कहा? आउट इन द वर्ल्ड हो सकता है किसी ने, बट पता नहीं वीडियो बनाए है कि नहीं किसी ने, वो नहीं देखा। नहीं नहीं, आपने जैसे अभी आपने कहा कि राम, जैसे राम सर से मिले थे कुछ एक फीलिंग आ गई थी कि गाना अच्छा, जितनी आपको उम्मीद थी क्या उस पर खड़े उतरे हैं राम जी? फुल फेथ, फुल फेथ, आई ट्रस्ट माय इंट्यूशन वेरी मच। So, Meena ji, this is the first project as a creative person, or before that you have done any project? I myself have acted in 3 films recently, short films, festival films, and all content based. Okay. So, first film about a mind, international film festival where we got 15 awards, it's my co-producer with your actor B. And second film, which is going to be released, about old age people, neglect, nekar nature, will be recently. My third film was released, it's a girl, about girl child. We're showing ke liye, still today's world that aaj ke zamane mein middle upper class families mein bhi ke unko ladka chahiye first wife, you know, to kus space ke upar, it's a girl. So yes, creatively, so I guess I think I had that intuition when I met Ram. And talking about your future planning, what's the vision as a creative person, being a producer, actress, or what is the vision you want to be? The future as such? Future is to make good content based films, programs, videos, so that it can be shown public mein, awareness, wo mujhe bahut acha lagta hai. Aur mujhe ye saina ke liye, kyunki ye awareness, I want to show people in India, in Africa, in countries where there is not so much awareness, ke ye albinism mein, matlab, she's a normal child, you know. And I think that Ram and I, we have got future plans unke liye, right? I think aap bata sakte hain. Actually, iske piche ek choti si kahani bhi hai. Meri behan ki khud bachi hai. Usko bhi thoda sa aisa white ka skin ka problem hai. To usko maine bachpan se dekha hai. To thoda sa kahin na kahin society mein unko accept nahi karte hain. Ek comfort nahi hote hain log. Unko dekhte hain alag nigaah se dekhte hain. Alag log hain. अलग स्किन है, अलग मतलब दिखते हैं लोगों को, तो वो चीज़ मैंने खुद महसूस भी करी थी, तो ये मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट भी था कि वो साइना से मेरा जल्दी बात करना वो होना, बट उसके अलावा उसके अंदर जो बहुत खूबियाँ थी वो मुझे उसको मिलने के बाद पता चली, उससे बात करने के बाद पता चली, तो जो ऐसा ही नहीं कि ये लोग अलग होते हैं या हमारे तरह होते हैं, तो फिर मैंने इसके बारे में और पढ़ा और रिसर्च किया, देखा तो पता चला कि इंडिया के अंदर भी करीब 2 लाख के करीब लोग हैं जो इससे गुजर रहे हैं इस चीज़ से मतलब, और उनको और एक और चीज़ मैंने बहुत पढ़ी जो बहुत शॉकिंग थी मेरे लिए, तो मैं एक्चुअली सोच भी नहीं सकता था कि
इन लोगों के लिए आज से बहुत साल पहले लोग सोच रहे थे कि एक नया आइलैंड बनाएंगे, तो इट वॉज वेरी शॉकिंग कि मतलब आप नया आइलैंड बनाएंगे, लोगों को वहाँ भेजेंगे। अरे कम ऑन, आप ऐसा सोच भी कर सकते, सब लोग इंसान हैं, कोई अलग थोड़ी हैं लोग। तो वो पढ़ के मुझे बहुत अजीब लगा था सोच, ये देखकर मतलब ऐसा कैसे हो सकता है इंसान के। वो लगता है ये पोस्टर जो बना है लड़की समुंदर में है, ये यहाँ पे ये क्या मतलब काम? ये वीडियो से ही लिया गया है, एक वीडियो का हिस्सा है। तो अभी मैं आपको कुछ देर में आपको वीडियो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो में जो शूट हुआ है उसी का ये हिस्सा है, उसका एक फोटो निकाला गया है। तो किस प्लेटफॉर्म पे देखने मिलती है, जिसको देखना हो तो कहाँ देख पाएंगे? आजकल तो आप जानते हैं डिजिटल टाइम है, तो यूट्यूब पर हम इसको अपलोड करेंगे, तो उस पर आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। कौन से किस साइट कौन से प्लेटफॉर्म? ये साइना शाह के नाम से उसका खुद का चैनल है, जो बच्ची है उसका खुद का चैनल है साइना शाह। आप उस पर प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज शेयर भी करिए, तो आपका बहुत आभारी होंगे हम। थैंक यू सर। थैंक यू।